हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं Adobe Illustrator में, जो कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, जिसकी हाइट और विड्थ 1080 पिक्सल होगी। कलर मोड में CMYK चूज़ करूँगा ताकि प्रिंटिंग में कोई कलर का इशू ना हो। इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट बन गया है हमारे सामने। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की ब्रीफ को पढ़ेंगे कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और वो हमसे कैसा लोगो बनवाना चाहता है। तो चलते हैं 99 डिज़ाइन में। मैंने ये ब्रीफ 99 डिज़ाइन से डाउनलोड की है। तो इसमें लिखा है कि डिज़ाइन अ लोगो टू यूनाइट एंड इंस्पायर द फ्यूचर ऑफ ब्लू कॉलर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसा लोगो बनाएं जो ब्लू कॉलर इंडस्ट्री के फ्यूचर को मुताहित करे। तो नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, यानी कौन सा नेम लोगो में होना चाहिए, तो वो है स्किल्ड ट्रेड्स एडवाइजरी काउंसिल। स्लोगन टू इनकॉर्पोरेट, नो स्लोगन। डिस्क्रिप्शन है, STAC एक ऐसे काउंसिल है जो कि अमेरिका में मौजूदा बहरान से निमट रहा है और अमेरिका के नौजवानों को अपने मुतरका कैरियर पर गौर करने की तरगीब देता है। तो इंडस्ट्री हमारे पास कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट की है, तो हमें एक ऐसा लोगो बनाना है जो कि वर्ल्ड मार्क हो। तो वर्ल्ड मार्क लोगो होता कौन सा है? वर्ल्ड मार्क लोगो वो लोगो होता है जिस पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेम हो, ना कोई बैच, ना कोई शेप, ना कोई सर्कल, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेम। लाइक एग्जांपल इज़ गूगल का, जिस तरह है गूगल इज़ वर्ल्ड मार्क लोगो। यू हैव सीन दैट देयर इज़ नॉट अ शेप इन इट, सो वी हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ लोगो। सो चलते हैं इलस्ट्रेटर में और बनाते हैं इस तरह का लोगो। तो सबसे पहले हमें जो क्लाइंट नेम कहा है कि कौन से वर्ड्स होने चाहिए, वो है स्किल ट्रेड एडवाइसी काउंसिल। तो जो मैंने सोचा है, तो मैं सबसे पहले इनके पहले वर्ड्स की को अलग-अलग लिखूंगा और फिर उसके नीचे ये स्किल ट्रेड एडवाइसी काउंसिल लिखूंगा। तो चलते हैं इलस्ट्रेटर में और ये बनाते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और सबसे पहले एक कैपिटल एस लेटर लिखूँगा। इन्हें ऑल सेलेक्ट कंट्रोल ए से करूँगा, कंट्रोल टी से इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। प्रॉपर्टी से मैं इसका फॉन्ट लूँगा एस्पायरिंग SC, और इसका फॉन्ट का साइज़ मैं तकरीबन कर दूंगा 200। इसके बाद मैं इसकी कॉपी लूंगा ऑल्ट की मदद से और इसे मैं चेंज कर दूंगा टेक्स्ट टूल से A। इसके बाद इसकी मैं ऑल्ट की मदद से कॉपी लूंगा शिफ्ट के साथ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आए, और इसे मैं कर दूंगा C। अभी हमें स्टार्क लिखना था, तो हमारे पास टी नहीं, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन भी होना चाहिए लोगों में, तो टी को मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग बनाऊंगा। तो इससे पहले मैं इसके साथ ही करीब ले जाता हूं, और टी के लिए मैं ऐसा काम करूंगा, इससे पहले मैं ज़ूम करूंगा और यहां दो एरो बनाऊंगा। एरो मैं किस तरह बनाऊंगा? सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, उसकी मदद से एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। इस रेक्टेंगल की एक कॉपी लूँगा ऑर्ड की मदद से और इसे मैं रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री, और इसे मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा। तो इसके बाद मैं इसका एरो का जो फ्रंट का शेप होता है वो बनाऊंगा। वो मैं किस तरह बनाऊंगा? पॉलीगॉन टूल से एक क्लिक करूंगा, ये मुझसे साइड्स मांगेगा। साइड्स ट्रायंगल ये तीन होती है, तो मैं तीन साइड्स पे क्लिक करूंगा। इसे मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा शिफ्ट की मदद से, और इसे मैं इसके साथ बिल्कुल इसके मिड में ले आऊंगा। तो ये बन गया। इसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और इन्हें ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप से पहले अगर आपको ये एरो छोटा लग रहा है, तो इसे आप बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से। तो अभी ये बेस्ट हो गया। इसे मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर टूल से ऑर्ड की मदद से इसे मैं डिलीट कर दूंगा और इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा।
इसके बाद मैं इन दो साइट्स को सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं थोड़ा अंदर की तरफ ले आऊँगा। इन्हें मैं दो को सेलेक्ट करूँगा, इन्हें थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, इन्हें भी सेलेक्ट करूँगा और इन्हें थोड़ा नीचे ले आऊँगा। इन दोनों को मैं फिर सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि दोनों की मैयरिंग सेम सेम हो। सो दिस इज़ बेस्ट। इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं नीचे ले आऊँगा। इसका साइज़ मैं छोटा कर दूँगा और इसके साथ ही मैं रख दूँगा और इसका बिल्कुल ये कोनों के साथ ही इसका ये एरो अटैच हो, तो मैं शिफ्ट और आर्ट की मदद से इसे बड़ा करूँगा। ये भी बिल्कुल इसके साथ ही अटैच है। थोड़ा और करना होगा तो शिफ्ट और आर्ट की मदद से कर दीजिएगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और इनका मैं बिल्कुल इसके साथ ही ले आऊँगा सीध में। तो ये आ गया। इसके इन दोनों को मैं साइड पे कर देता हूँ, ए और सी को। और इस एरो की मैं एक कॉपी लूँगा, इन्हें सेलेक्ट करूँगा और ऑर्ट की मदद से एक इस तरफ ड्रैग करूँगा तो एक कॉपी बन जाएगी और इसे मैं रिफ्लेक्ट कर दूँगा। रिफ्लेक्ट मैं वर्टिकल करूँगा और प्रीव्यू ऑन कर दे ताकि आपको पता हो कि किस तरह रिफ्लेक्शन हो रही है। इसे मैं थोड़ा साइड पे कर दूँगा ताकि थोड़ा स्पेसिंग हो इसमें। इनका मैं कलर भी चेंज कर दूँगा ताकि डिफरेंट लगे। इसके मैं राइट कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। इसके बाद मैं ए को भी इसके करीब ले आऊँगा और सी को भी इसके करीब ले आऊँगा। तो इसके बाद मुझे थोड़ा इसमें से डिज़ाइन भी चाहिए, तो मैं सबसे पहले इन दोनों की कॉपी लूँगा, एस और इस एरो की। ऑर्ट की मदद से नीचे ले आऊँगा शिफ्ट के साथ ही और अभी एस को मैं सबसे पहले क्रिएट आउटलाइन में जाऊँगा, इसे आउटलाइन बना लूँगा। इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा शेप बिल्डर टूल्स में और इसे मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये आ गई हमारी शेप। इसके बाद मैं इस एरो को ऊपर ले जाऊंगा और इस एस को मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले आऊंगा। इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर टूल से इन्हें मैं कंबाइन कर दूंगा। इसके बाद ए के साथ भी मैं यही काम करूंगा। सबसे पहले मैं इन दोनों की कॉपी लूंगा, ऑड के साथ शिफ्ट के साथ ही नीचे ले आऊँगा। अगर आप चाहे तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, अभी आपके किसी काम की नहीं है। इसके बाद मैं ए को क्रिएट आउटलाइन में शिफ्ट करूँगा। इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और शेप बिल्डर टूल से इस जगह को मैं क्रॉस कर दूँगा। इसके बाद मैं इस एरो को ऊपर ले आऊँगा और इस ए को मैं थोड़ा साइड पर कर दूँगा ये। इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और शेप बिल्डर टूल की मदद से इन्हें यूनियन कर दूँगा और इन दोनों को मैं डिलीट कर दूँगा। सी को थोड़ा साइड पे कर दें, ए को थोड़ा और साइड पे कर दें, इसको भी थोड़ा साइड पे कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि ए इसके बहुत करीब है तो आपको चाहिए कि एस भी इसके बहुत करीब हो, तो मुझे चाहिए था कि मैं एस को थोड़े इसके करीब करता। कोई नहीं, मैं भी कर दूँगा। इसे मैं बिल्कुल इसके साथ ही ले आऊँगा और इसकी मैं इन दोनों की मैं ऑर्ड के साथ एक कॉपी ले लूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसे मैं डिलीट कर दूँगा। इसके बाद मैं इस एरो को ऊपर ले आऊँगा और एस को मैं थोड़ा बाहर ले जाऊँगा। इसके बाद मैं नीचे वालों का अगर चाहूँ तो नीचे का एरो हटा सकता हूँ। नीचे का किस तरह हटेगा, इस तरह पहले जाएंगे हम, इसे टच करेंगे और शेप बिल्डर टूल्स की मदद से इसे मैं डिलीट कर दूँगा।
सो बेस्ट हो गया। इसके बाद मैं एरो को उसकी जगह पे वापस ले आऊँगा। तो ये आगे इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और शेप बिल्डर टूल की मदद से इन्हें मैं यूनियन कर दूँगा सबको। तो ये हमने इसकी जो अपर शेप है वो बना ली। तो इसके नीचे अभी हमें लिखना है कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम लिखते हैं। कंपनी का क्या नेम था? तो इसके बाद कंपनी का नेम लिखूंगा। कंपनी का नेम है हमारे पास स्किल क्रिएट एडवाइसरी काउंसिल। तो मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और स्किल लिख दूँगा कैपिटल लेटर में। उनका साइज़ मैं छोटा कर दूँगा तकरीबन 72 या 72 से भी छोटा कर दूँगा 60। और इसे मैं यहाँ ले आऊँगा। इसके बाद इसकी मैं कॉपी लूँगा ऑल्ट की मदद से और टेक्स्ट टूल से यहाँ मैं ट्रेड लिख दूँगा। ट्रेड्स लिख दिया। अगर आप चाहें तो इन दोनों का साइज़ छोटा करते, मैं कर रहा हूँ इन दोनों का साइज़। अगर मैं बिल्कुल छोटा साइज़ कर रहा हूँ और इनमें मैं स्पेसिंग दे दूँगा तकरीबन 75। और मैं छोटा कर दूँगा इनका साइज़ तकरीबन 40। उसमें मैं स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा दे दूँगा। इसके बाद मुझे एडवाइसरी काउंसिल लिखना है। एडवाइसरी काउंसिल मैं लिखूँगा टेक्स्ट टूल की मदद से। उनको दुरुस्त कर दीजिएगा। इन सबको सिलेक्ट करूँगा, उनका साइज़ मैं बिल्कुल छोटा कर दूँगा और इनका मैं फॉन्ट भी चेंज कर दूँगा। एस्पायर को मैं लाइट वर्जन करूँगा और इसमें मैं स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा दे दूँगा 200 की। और इसे मैं यहाँ ले आऊँगा इसके बिल्कुल दरमियान में। दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इसमें थोड़ा इसे मैं इस तरफ ले जाऊँगा। इसके बाद इन इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसे भी थोड़ा इस तरफ ले जाऊँगा। तो इसके बाद मैं इन दोनों का कलर चेंज करूँगा। कलर मेरे पास ये रहा, तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसके कलर को कलर पिकर टूल से यहाँ और ये इसे फिर मैं ड्रैग करके इधर ले आऊँगा। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसका कलर में यहाँ से ड्रैग करके उधर ले जाऊँगा। तो इसके बाद मैं इन सबको ग्रुप कर दूँगा और इनमें मैं दरम्यान में ले आऊँगा। अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल दरम्यान में कर दूँगा। तो ये रहा हमारा लोगो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।